हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। सो दोस्तों, जब से अमेज़फिट बीपैस इंडिया में लॉन्च हुई है तभी से उसका कंपैरिजन रियलमी स्मार्ट वॉच के साथ किया जा रहा है। कोई रियलमी स्मार्ट वॉच को अच्छा बताता है तो कोई अमेज़फिट बीपैस को। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फुल्ली कंपैरिजन करेंगे अपनी रियलमी स्मार्ट वॉच और अमेज़फिट बीपैस के बीच। जानते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉच में से आखिरकार कौन सी स्मार्ट वॉच अच्छी है, किसके फीचर सबसे बेस्ट है। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो वीडियो शुरू करने से पहले को सेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाकर सेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं डिजाइन से। अगर बात की जाए रियलमी स्मार्ट वॉच के डिजाइन की तो इसमें हमें प्लास्टिक की बॉडी, रेक्टेंगुलर शेप और 31 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए अमेज़फिट बीपैस के डिजाइन की तो इसमें हमें पॉलीकार्बोनेट की बॉडी, रेक्टेंगुलर शेप और इसमें भी हमें 31 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया डिजाइन। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। अगर रियलमी स्मार्ट वॉच की हम डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 1.4 इंचेस की TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिस पर कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आता है। वहीं अगर बात की जाए अमेज़फिट बीपैस की डिस्प्ले की तो इसमें हमें 1.28 इंचेस की ट्रांसफ्लेक्टिव कलर TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिस पर 2.5D कर्व कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आता है, और जो इसकी टॉप लेयर है वो एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ हमें मिलेगी। सो दोस्तों, अमेज़फिट बीपैस की जो डिस्प्ले है वो AOD डिस्प्ले होने वाली है। सो दोस्तों, अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच चाहिए तो आप रियलमी स्मार्ट वॉच के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको डिस्प्ले में क्वालिटी चाहिए तो आप अमेज़फिट बीपैस के साथ जाना, क्योंकि अमेज़फिट बीपैस की डिस्प्ले क्वालिटी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। दोस्तों, अगर वॉच फेसेस की बात की जाए तो रियलमी स्मार्ट वॉच में हमें 14 यूनिक वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि वो इसको आगे 100 तक अपग्रेड कर देंगे। वहीं अमेज़फिट बीपैस में हमें 40+ वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, जिसको वो आगे अपग्रेड नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में स्पोर्ट्स मोड देखे जाएं तो रियलमी स्मार्ट वॉच में हमें 14 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, जिसमें क्रिकेट, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट मोड शामिल होंगे। दोस्तों, मुझे इस स्मार्ट वॉच में ये समझ में नहीं आता कि अगर हमें इसमें क्रिकेट स्पोर्ट मोड दिया गया है तो ये हमारी क्रिकेट को ट्रैक कैसे करेगी, क्या ये वॉच एम्पायरिंग करेगी या बॉलिंग करेगी। लेकिन अमेज़फिट बीपैस में हमें 10 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, जो कि क्वालिटी स्पोर्ट मोड है, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, ट्रेडमिल, इंडोर साइकिलिंग वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये तो हो गए स्पोर्ट्स मोड। अब बात करते हैं सेंसर्स की। तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में हमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर देखने को मिल जाएगा। वहीं दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में हमें PPG सेंसर देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप सेंसर शामिल होंगे। वहीं अगर बात की जाए GPS की तो रियलमी स्मार्ट वॉच में हमें GPS देखने को नहीं मिलता, वहीं अमेज़फिट बीपैस में हमें GPS प्लस ग्लोनॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि दोनों स्मार्ट वॉचेज में हमें कौन कौन से स्मार्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, अगर बात की जाए रियलमी स्मार्ट वॉच के स्मार्ट फीचर्स की तो इसमें हमें स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट के साथ कैमरा कंट्रोल और म्यूजिक कंट्रोल का सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन का कैमरा और अपने फ़ोन का म्यूजिक अपने स्मार्ट वॉच से ही कंट्रोल कर सकते हो। वहीं अमेज़फिट बीपैस में हमें स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट के साथ म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन इस स्मार्ट वॉच में हमें कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। सो दोस्तों, स्मार्ट फीचर्स के मामले में रियलमी स्मार्ट वॉच आगे है अमेज़फिट बीपैस से। अब बात करते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस की बैटरी की। सो दोस्तों, रियलमी स्मार्ट वॉच में हमें 160mAh की बैटरी मिलती है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि अगर हम इसको टिपिकल यूज पे चलाएंगे तो इसकी बैटरी 2 डेज तक चलेगी, वहीं अगर हम इसको स्टैंड बाय मोड पर चलाएंगे तो इसकी बैटरी 20 दिन तक चल जाएगी। वहीं अमेज़फिट बीपैस में हमें 200mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि अगर हम इस स्मार्ट वॉच को टिपिकल यूज पर चलाएंगे तो इसकी बैटरी 15 दिन तक चलेगी, वहीं अगर हम इसको स्टैंड बाय मोड पर रखेंगे तो इसकी बैटरी 40 दिन तक चल जाएगी। दोस्तों, अगर इसके हम GPS को ऑन कर देंगे तो इसकी बैटरी 22 घंटों तक चलने वाली है। अब दोस्तों, बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस की। तो वाटर रेजिस्टेंस के मामले में रियलमी स्मार्ट वॉच पीछे है अमेज़फिट बीपैस से, क्योंकि इसमें हमें 1.5 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, वहीं अमेज़फिट बीपैस में हमें 50 मीटर तक का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के प्राइस की। अगर बात की जाए रियलमी स्मार्ट वॉच के प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो 3999 रुपीज़ है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। अगर बात की जाए अमेज़फिट बीपैस के प्राइस की तो जो इसका प्राइस है वो 4999 रुपीज़ है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। तो दोस्तों, दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में से मुझे अमेज़फिट बीपैस स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छी लगी, भले ही वो 1000 रुपये महंगी हो हमारी रियलमी स्मार्ट वॉच से, क्योंकि यार इस स्मार्ट वॉच में हमें काफ़ी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये आती है काफ़ी सारे फीचर्स के साथ, जैसे कि GPS। वहीं हमारे रियलमी स्मार्ट वॉच में GPS वगैरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, भले ही ये स्मार्ट वॉच इस स्मार्ट वॉच से 1000 रुपये सस्ती क्यों ना हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंपैरिजन के साथ। सो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।